नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज है 11 मई और दिन है गुरुवार का। आज के दिन तक के दशाश्वमेध घाट और चितरंजन पार्क में क्या अपडेट है उसे इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। जैसा कि मालूम हो, G20 सम्मेलन जून में होने वाले हैं और इसके चलते बनारस में काफ़ी काम हो रहे हैं, तो ये काम सौंदर्यीकरण का कितना हुआ है उसे इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बैक कैमरे से और दिखाते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट। शुरुआत ये सामने आप देख रहे हैं चितरंजन पार्क, काफ़ी इस पार्क में जगह जगह अभी भी मलबा पड़ा हुआ है और सौंदर्यीकरण का काम फिलहाल अभी रुका हुआ है। जैसा कि आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, इस पार्क में कहीं से भी आपको सौंदर्यीकरण यहाँ पर चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। मलबा वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है और आधुनिक पोल भी लग चुका है, लेकिन और देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोल भी खड़ा हो चुका है, हेरिटेज पोल, लेकिन नीचे में मलबा अभी काफ़ी कुछ वैसे के वैसे दिखाई देता है। इस तरफ देख रहे हैं ये चितरंजन पार्क और ये है दशाश्वमेध घाट मार्ग। ये आप देख रहे हैं चितरंजन दास जी का जहाँ पर प्रतिमा है वहाँ का ये दृश्य है और नीचे इस प्रकार छांव है, तो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये आपका आगे शीतला घाट मार्ग जाने का ये सड़क मार्ग अतिक्रमण मुक्त तो हो चुका है और चौड़ा भी हो चुका है, लेकिन फिलहाल पार्क की दशा अभी भी वैसी की वैसी ही है। जिसमें तेज़ी से काम होना चाहिए वहाँ पर सिर्फ आपको ये मलबा दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हुए और आपको लेटेस्ट अपडेट दें। ये आप देखेंगे ये मार्ग सीधे चले जाएगा गदोलिया चौराहे की तरफ और सामने आप देख रहे हैं नंदी जी की प्रतिमा है। ये दोनों तरफ, एक इस तरफ है और एक उस तरफ बनना शुरू हुआ है और ये है आपका आगे में दशाश्वमेध घाट आरती स्थल जाने का मार्ग। चलिए अब चलते हैं एक बार फिर आपको राजेंद्र प्रसाद घाट मार्ग का अपडेट दें। ये आप देख रहे हैं ये मार्ग सीधे आगे चले जाएगा राजेंद्र प्रसाद घाट और यहाँ सामने में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पिलर स्तंभ खड़ा किया गया है जिस पर नंदी जी विराजमान है। ऐसे यहाँ पर चार पिलर बन रहे हैं जिसमें से दो में नंदी जी विराजमान हैं और एक में गरुण जी विराजमान होंगे। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर ये नाली का काम और फुटपाथ का काम बचा हुआ है और ये है आपका आकर्षक स्तंभ नंदी जी विराजमान ऊपर की तरफ। और ये भवन आप देखेंगे तो ये भवन पूरा एक जैसा किया हुआ है और ये वाल जो है दोनों तरफ, एक तरफ गुलाबी पेंट है और दूसरी तरफ आपका इस जर्जर दीवार को यहाँ पर प्लास्टर किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं ये प्लास्टर कंप्लीट धीरे धीरे आगे की तरफ, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर ये समस्या हो रही है कि इन पेड़ों को जैसे का तैसा वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है, जबकि इन पेड़ों को भी हटाकर और मजबूती के साथ प्लास्टर करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहाँ भी पेड़ को हटा दिया है और प्लास्टर हो गया है। और ये आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर धीरे धीरे नाली का निर्माण कार्य चल रहा है
या देखें इस प्रकार ये नाली की व्यवस्था की जा रही है। और ये नाली देखेंगे तो ये अंडरग्राउंड रहेगा, चारों तरफ ये इस प्रकार नाली को ढक दिया जाएगा और ये अंदर अंदर रहेगा, यानी कि ये नाली जो है वो दिखेगी नहीं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है राजेंद्र प्रसाद घाट मार्ग पर। फिलहाल तैयारी तो चल रही है लेकिन काफ़ी सुस्त तैयारी है, जिस प्रकार तैयारी तेज़ी से होनी थी ऐसी तैयारी हो नहीं रही है। सामने में राजेंद्र प्रसाद घाट मार्ग और इधर आप देखेंगे तो ये है उत्तर प्रदेश जल निगम। चलिए अब चलें दशाश्वमेध घाट मार्ग की ओर। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दुकानें थी, अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से दुकानें लगी हैं, लेकिन बहुत ही जल्द ये सभी दुकानें यहाँ से हटेंगे और एक बार फिर पूरे घाट पर आपको G20 जून में होने वाले की भव्य तैयारी दिखाई देगी। तो चलिए अब चलते हैं। देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद घाट। ये है राजेंद्र प्रसाद घाट के बगल में स्थित आपका दशाश्वमेध घाट मार्ग। और यहाँ आपको मैं दिखाऊं तो ये एक स्तंभ यहाँ भी लगेगा, जैसा कि दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, वो स्तंभ आधा भी लग चुका है। घाट जाने वाले मार्ग में ये स्तंभ यहाँ लगा हुआ है और जैसा कि मालूम हो कि इसमें आपको गरुड़ जी की प्रतिमा लगेगी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर दो लगेगा, एक उस तरफ और एक जैसा कि तैयारी चल रही है। यह है आपका दशाश्वमेध घाट आरती वाला मार्ग। किनारे देखेंगे सभी दुकानें, जितनी किनारे में इस तरफ दुकानें थी, सड़क मार्ग चौड़ा होने के बाद ये सभी दुकानें अब दूसरी तरफ लाइन से आपको लगी दिखाई देंगे। और सामने में गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पर जाने का मार्ग है। आपको दिखाऊं तो महिला घाट के किनारे इतनी स्कूटी खड़ी करके और पॉलीथीन में पूजा का सामान लेके अब वो सीधे जो है गंगा नदी में प्रवाहित करेंगे। चलिए मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ, उनके आगे जा रही है महिला। आप देख रहे होंगे सामने की तरफ, ये आप देख रहे हैं ये महिला है। गंगा में प्रदूषण कैसे रुकेगा जब इस प्रकार की सोच रहेगी लोगों में। घाट के बिल्कुल किनारे में आपका स्कूटी खड़ा करके और ये देखिए क्या करती है, देखते जाइए इनको। देखते जाइए ये पूजा सामान है और उन्होंने ले जाकर सीधे गंगा में प्रवाहित कर दिया। देख लीजिए गंगा में प्रदूषण क्यों नहीं होगा, इस प्रकार की सोच होगी लोगों में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
हर हर महादेव।